भीख मांगे फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी साफ कर। गाइस यार, इन लोगों ने मुझे फिर से किडनैप करके गुलाम बना लिया है। इस बार पुक्की, चिंकी और शिनचैन के मौसी का लड़का तीनों लोग मेरे पीछे पड़े हैं और मुझसे काम करवा रहे हैं। गाइस ए भीख मांगे फ्रैंकलिन, जल्दी जल्दी शिनचैन मालिक का हेलीकॉप्टर साफ कर, वरना भी तेरे भेजे में गोली उतार दूंगा। इस भीख मांगे फ्रैंकलिन से जितना हो सके उतना काम कराओ, ना काम करे तो इसे गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, ना काम करे तो और गोली मारो, ना काम करे तो इसे जान से मार डालो। मेरे होते हुए तुम लोग इसको जान से नहीं मारोगे, मैं मारूंगा इसे जान से। इसकी जान ले लूंगा गोली मार मार के, अगर ये काम नहीं करेगा। गाइस यार, देख रहे हो, तीन के तीनों लोग मुझे मारने की फिराक में हैं। चार दिन से इन लोगों ने मुझे ना खाना दिया है ना पानी दिया है, बस ये गोल्डन हेलीकॉप्टर साफ कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। बहुत ज्यादा थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद काम करूंगा। बहुत ज्यादा थक गया हूँ। ए भीख मांगे फ्रैंकलिन, आराम नहीं करना है, काम कर, काम कर, काम कर, वरना गोली खाता रहेगा तू। अरे अरे, गोली मत मारो, मत मारो गोली, मैं काम कर रहा हूँ तुम्हारा। अरे अरे, मेरे हाथ, मेरा हाथ, मेरा हाथ, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, मैं साफ सफाई कर दूंगा। गोली मत मारो, गोली मत मारो, गोली गोली मत मारो। अब बोल, आराम करेगा, आराम करेगा, बोल आराम करेगा, बोल 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 आराम करेगा। और मारो पुकी, और मारो इस भीख मांगे को, और गोली मारो, और गोली मारो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, और गोली मारो इसको। यार तुम लोग छोटी मोटी गोलियां मारते रहते हो, मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर बॉम्ब फेंक दो, सारा खेल ही खत्म हो जाए इसका। अरे चल के देखता हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं, गोली की आवाज क्यों आ रही है, कहीं वो फ्रैंकलिन फिर से तो नहीं भाग गया। अगर इस बार भागा होगा तो पुक्की, चिंकी और अपने मौसी के लड़के को सबको मार डालूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब मैं शिनचैन से थ्री हेडेड शिनचैन बन गया हूँ, अब जो भी मेरे साथ काम नहीं करेगा मैं उसको मार डालूंगा। शिनचैन मालिक की जय हो। अरे पुक्की, इस भिखमंगे को मार क्यों रहे हो तुम लोग गोली से? अरे शिनचैन मालिक, ये हेलीकॉप्टर नहीं साफ कर रहा था आपका, और तो और आराम कर रहा था। वाह पुक्की वाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया, इसे और मारो और मारो, गोलियों से इसे भून दो, बस मरने मत देना इसे। अब आ गया हूँ तो मैं भी इसे दो चार गोली मार के ही जाऊंगा। अरे नहीं शिनचैन, प्लीज मत मारो, प्लीज मत मारो, मैं तुम्हारा पूरा हेलीकॉप्टर चमका दूंगा, पूरा एक एक चीज चमका दूंगा, प्लीज मुझे गोली मत मारो, प्लीज मत मारो पुक्की मुझे गोली। अरे ठीक है भीख मांगे, मैं तुझे गोली नहीं मारूंगा, चल चल तुझे माफ कर दिया चल, लेकिन तुझे को पूरा ये हेलीकॉप्टर चमकाना पड़ेगा जो कि तेरे खून से लाल हो गया है। ठीक है शिनचैन मालिक, मैं आपका पूरा हेलीकॉप्टर चमका दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ, चिंकी पुक्की और मौसी के लड़के इसका अच्छे से ख्याल रखना, वरना वही हाल तुम्हारा भी होगा जो सिक्योरिटी वालों का मैंने किया था, गोली मार मार के सबको मार डालूंगा अगर ये इस बार भागा तो। मैं ये बिल्कुल नहीं देखूंगा तुम लोग मेरे दोस्त हो या फिर दुश्मन हो या फिर मौसी के लड़के हो, मैं सबको गोली मार डालूंगा अगर ये फ्रैंकलिन भागा यहाँ से। जल्दी जल्दी चलता हूँ डोरेमोन देखता हूँ, ये लोग यहाँ पे उस भिखमंगे की रखवाली कर रहे हैं, और रखवाली करते रहेंगे, नहीं करेंगे तो मार खाएंगे। पुक्की मालिक, पुक्की मालिक, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, प्लीज एक ग्लास पानी पिला दो वरना मैं मर जाऊंगा। पुक्की मालिक प्लीज पानी पिला दो। ए भीख मांगे फ्रैंकलिन, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, बस तू काम करते रहे बस। यार गाइस क्या करूं यार, ये लोग एक ग्लास पानी तक नहीं दे रहे मुझे, क्या करूं, बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है और हाथ भी दर्द कर रहा है। चार दिन से इन्होंने ना हमें पानी दिया है ना खाने को दिया है। गाइस क्या करूं यार, क्या करूं, प्लीज कमेंट करके बताओ। अरे मौसी का लड़का और चिंकी तो सो गए यार, मुझे भी बहुत तेज से नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, इस भिखमंगे की रखवाली जो करना है, लेकिन बहुत तेज से नींद आ। अरे पुक्की मालिक, आप मुझे तो आराम करने नहीं दे रहे हो, आप ही आराम कर लो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, मुझसे होशियारी करता है, जैसे ही मैं आराम करूंगा तो यहाँ से भाग लेगा। नहीं मैं नहीं भागूंगा, मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। अच्छा ऐसी बात है, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ समझो, देख मेरी आंखें खुली है, भागने की कोशिश मत करना। गाइस यार शायद ये लोग सो गए हैं, लेकिन अभी भी मुझे कंफर्म नहीं है, जैसे ही मैं रुकूंगा वैसे ही ये मुझे गोलियां उसे भूनना चालू कर देंगे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार पहले चल के चेक कर लूँ ये लोग सोए हैं या फिर नहीं, उसके बाद भागूंगा। यहाँ पे पुक्की तो आराम से खर्राटे मारते हुए सो रहा है, और चिंकी भी आराम से खर्राटे मारते हुए सो रही है, और उधर मौसी का लड़का एक बार वो भी देख लेता हूँ सही से सो रहा है या फिर नहीं। हाँ गाइस हाँ, यहाँ पे मौसी का लड़का भी अच्छे से सो रहा है, तीनों लोग को कोई होश चेत नहीं है। अब यही एक रास्ता है कि मैं लेके भाग जाऊँ यह हेलीकॉप्टर, एक बार ऊपर भी देख लेता हूँ, कहीं शिनचैन तो नहीं देख रहा। नहीं गाइस नहीं, एकदम रास्ता साफ है, सब लोग यहाँ पे सो रहे हैं,
बस जैसे ही मैं हेलीकॉप्टर लूंगा तुरंत यहाँ से भागूंगा, ताकि अगर इन्हें होश भी आ जाए तो ये लोग मुझे ना पकड़ पाए। बस गाइस चुपके से हेलीकॉप्टर में बैठ जाना है, किसी को पता ना लगे, बस आराम से, ज्यादा तेज नहीं बोल रहा हूँ ताकि ये लोग जग ना जाए। ऑलराइट गाइस हेलीकॉप्टर से स्टार्ट हो गया, अब धीरे धीरे ऊपर चलते हैं आराम से, किसी को कुछ पता नहीं चला कानों कान। और यहाँ पे शिनचैन का घर देखो कितना हेलीकॉप्टर है यार। इस हेलीकॉप्टर में एक दिक्कत है, ये सही से कंट्रोल नहीं हो रहा और इसमें से धुआं भी निकल रहा है। जल्दी से चलता हूँ यहाँ से, भागता हूँ पहले, उसके बाद कहीं रोड पे उतार के इस हेलीकॉप्टर को भाग जाऊंगा किसी गाड़ी वाड़ी लेके। यार ये तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं हो रहा यार, एक बार इधर जा रहा है एक बार उधर जा रहा है, ये तो अंदर से धुआं भी निकल रहा भाई साहब, धुआं तेजी से बढ़ता जा रहा है। और भाई साहब आग लगने वाली है इसके अंदर से, जल्दी से मुझे उतारना होगा। अगर मैंने इसे जल्दी से ना नीचे उतारा तो भाई साहब इसमें आग लग जाएगी और भाई मैं हवा में ही खत्म हो जाऊंगा, इसीलिए जल्दी से मुझे इसे कहीं ना कहीं तो उतारना होगा। और बस मुझे एक ही चीज का डर है, कहीं उन लोग को पता ना लग गया हो, कहीं वो लोग उठ ना गए। और भाई साहब यहाँ पे लैंड तो कर दिया है और बस अब यहाँ से उतर के भागना है और भाई साहब मैं आजाद हूँ अब। ओके गाइस तो अब मैं शिनचैन की गुलामी से आजाद हुआ और जब चलता हूँ भाग के कहीं बाहर। शिनचैन मालिक की पुक्की सो गया था इसलिए फ्रैंकलिन भिकमंगा भागे, इसलिए इसे मार डालता हूँ। ये देखो इसको मार डाला चिंकी को, चिंकी मर जा तू ताकि तू बता ना पाए। और यहाँ पे मौसी का लड़का भी है, ये भी बता सकता है, इसलिए इसको ही मार डालता हूँ। ये सो रहा है, इसको खबर भी नहीं लगी किसने मारा मुझे, जल्दी से इसे मार डालता हूँ। ये देखो अरे ये तो मरा ही नहीं, अब मरा जाके, अब जाके मर गया ये, अब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा ये फ्रैंकलिन भिकमंगा मेरे सोने की वजह से भागा है। अब चल के शिनचैन मालिक को बता देता हूँ कि फ्रैंकलिन भिकमंगा चिंकी को मार डाला और यहाँ से भाग गया, और तुम्हारे मौसी के लड़के को भी मार डाला और भाग गया यहाँ से। चलो जल्दी से बता देता हूँ, शिनचैन मालिक कहाँ हो, जल्दी आओ शिनचैन मालिक। अरे आप तो यहीं पे है शिनचैन मालिक, फ्रैंकलिन भिकमंगा सबको मार के भाग गया, मैं किसी तरह से बच गया, लेकिन मैं भी मारा जाता अगर मैं बच ना पाता तो। क्या कहा तुमने, फ्रैंकलिन भिकमंगा भाग गया, जल्दी जाओ उस भिकमंगे को ढूंढ के लाओ, और याद रहे उसे मारना मत, उसे जिंदा पकड़ के लाना, समझे? ठीक है शिनचैन मालिक, मैं तुरंत जाता हूँ उस भिकमंगे को पकड़ के लाता हूँ, यहीं कहीं अभी पहुंचा होगा क्योंकि वो हेलीकॉप्टर में तो आग लगने वाली थी, वो हेलीकॉप्टर ही लेके गया था, चलो तुम तक भाग नहीं पाया होगा, चलो जल्दी चल के देखता हूँ कहाँ तक भागा है वो। शिनचैन मालिक को कुछ नहीं पता लगा, वाह, मेरा काम तो हो गया, मैं जिंदा बच गया और बाकी सब लोग मर गए, वाह मजा आ गया, जल्दी से उस फ्रैंकलिन को पकड़ के लाता हूँ, उसके बाद तो अपनी मौज ही मौज है। अरे कहाँ है यार वो, तो यहाँ कहीं दिख भी नहीं रहा है, थोड़ा और आगे चलता हूँ, क्या पता आगे कहीं दिख जाए। अरे आगे शिनचैन मालिक का हेलीकॉप्टर दिख रहा है मुझे, जल्दी से चलता हूँ, लगता है अरे ये तो फ्रैंकलिन है, यहाँ पे रोड पे क्यों पड़ा है। अरे फ्रैंकलिन उठो, तुम मर नहीं सकते फ्रैंकलिन, अरे उठो फ्रैंकलिन तुम मर नहीं सकते। अरे ये फ्रैंकलिन तो मर गया है, अब मर ही गया है तो क्यों ना इसे और मार दिया जाए, गोली निकालता हूँ और इसे मार देता हूँ। वाह, अगर ये जिंदा भी होगा तो अब तक मर गया होगा, इतनी सारी गोली मार दी है मैंने, अब इसे गाड़ी में लाद लेता हूँ, उसके पास शिनचैन मालिक के पास लेके चलता हूँ, इस भिकमंगे की लाश को जल्दी से लेके चलता हूँ शिनचैन मालिक के पास, और उन्हें बता दूंगा कि ये हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मर गया। मैं इस भिकमंगे की लाश शिनचैन मालिक के पास लेके जा रहा हूँ, शिनचैन मालिक तो बहुत खुश हो जाएंगे मुझसे और मुझे कोई ना कोई इनाम जरूर देंगे। बस घर के अंदर पहुंच ही गए, यहाँ पे गेट, अरे खुल जा, आज मुझे इनाम मिलने वाला है। शिनचैन मालिक, मैंने फ्रैंकलिन की लाश लाई है क्योंकि इसका एक्सीडेंट हो गया था। शिनचैन मालिक कहाँ है आप, अच्छा नीचे होंगे क्योंकि नीचे ही भी खड़े थे, यहाँ पे चल के देख लेता हूँ। अरे शिनचैन मालिक, आपको पता है उस फ्रैंकलिन का हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया था और वो मर गया था, मैंने उसकी लाश लेके आई है। क्या कहा तुमने, फ्रैंकलिन मर चुका है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे जिंदा लेके आना, वो मर कैसे गया? अरे शिनचैन मालिक, उसका हेलीकॉप्टर से एक्सीडेंट हो गया था, आप मुझे मेरा इनाम दे दीजिए। अच्छा तुझे तेरा इनाम चाहिए, रुक जा भी देता हूँ, ये देख अब तुझे तेरा इनाम मिलने वाला है। अरे शिनचैन मालिक, अब्दुल और ले गए नाम, यहाँ पे काफी सारे लोगों ने मुझे मारते हुए देख लिया, इन लोग को भी मुझे मारना पड़ेगा वरना ये लोग जाके पुलिस को बता देंगे। सॉरी भाई, सॉरी, मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा लेकिन मैं मार के रहूंगा तुम लोग को, वरना तुम लोग पुलिस वालों को बता दोगे। अब तक तो पुलिस वालों को खबर भी हो गई होगी कि यहाँ पे खूब सारे मर्डर हुए हैं, जल्दी से यहाँ पे इन लोग को मार के भाग जाता हूँ ताकि ये लोग मुझे बता ना पाए किसी को। आज मैंने बहुत सारे मर्डर कर दिए हैं, जल्दी से मुझे यहाँ से भागना होगा वरना पक्का पुलिस वाले आ जाएंगे और मुझे पकड़ के लेके चले जाएंगे। पुक्की भाई सॉरी, मैंने तुम्हें मार डाला लेकिन मैं और कर भी क्या सकता था, तुमने मेरे लिए सही से काम नहीं किया, तुम रात में सो गए होगे पक्का, तभी ये फ्रैंकलिन भागा था और यहाँ पे ये गाड़ी लेके जा भी नहीं सकता क्योंकि इसमें फ्रैंकलिन की लाश पड़ी है, इसीलिए मैं पैदल जाता हूँ, पहले इसे मार देता हूँ थोड़ा सा, अब जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ वरना यहाँ पे पुलिस आ जाएगी तो मुझे पकड़ के लेके जाएगी, जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से। अब पुलिस आएगी, इस पूरे घर की तलाशी लेगी और देखना ये है कि वो मुझे पकड़ पाती है या फिर नहीं, और ये आपको सेकंड पार्ट में पता लगेगा, तो जल्दी से आप क्लिक करो और सेकंड पार्ट को देख लो।